अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में तो अपन जो है रेड ड्रैगन का अपडेट देने वाला है। रेड ड्रैगन का एक पेयर तो था अपने पास, लेकिन ब्रीडिंग जल्दी नहीं हुआ उनका, तो अभी तो हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है अभी तो, और बच्चे भी आ चुके हैं। मैं आपको बच्चे बताता हूँ, देखो उनके। तो देखिए दोस्तों, ये है रेड ड्रैगन के बच्चे। ये ऑलरेडी पाँच छः दिन के बड़े हैं और पैदा हुए जब तो ये स्विमिंग भी नहीं कर रहे थे, नीचे बैठ कर रह रहे थे खाली। तो अभी तो जो है मैं इनको रेगुलरली मोइना डाल रहा हूँ, तो उसकी वजह से जो है एक्टिव हुए और स्विमिंग भी अच्छी तरह से कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये टू एंड हाफ मंथ तक ऑलरेडी ये फुल अडल्ट साइज में आ जाएंगे, और इनका अपडेट डालूंगा मैं यूट्यूब पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर तो अपना वाटर चेंज चल रहा है अपने छोटे से ब्रीडिंग सेटअप का। सभी फिशेस का वाटर चेंज कर रहा हूँ मैं, बेटास का और गप्पीस का। आप देख सकते हैं इधर आइक्रम में ये पाइप से हम लोग वाटर चेंज कर दिया ऑलरेडी सबका, और यहाँ पर भी देख सकते हैं सभी क्लीन है। और यहाँ पर सारे ग्लासेस में वाटर चेंज कर चुके हैं ऑलरेडी, इसमें थोड़ा उसलिए आधा आधा पानी है, आप देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों अपने रेड ड्रैगन के बच्चे, तो आ चुके हैं अभी तो अपना सबर जो है खत्म हो चुका है। और मैं यहाँ पर डम्बोयर जो है ब्रीडर से, ये मेरे, तो मैं इसमें एक मेल और टू फीमेल डाला, इनकी ब्रीडिंग कर रहा हूँ इस छोटे से एक्वेरियम में। और ये टैंक जो है क्रिस्टल क्लियर ग्लास है ये, तो इसलिए आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर है और ये व्हाइट कलर है, दोनों में डिफरेंस। तो अपनी ब्रीडिंग तो यहाँ पर चल रही दोस्तों गप्पीस की, और अपने पास जो है डम्बोयर्स का A1 क्वालिटी रहती है, अपने पास A1 क्वालिटी मिलती है। आपकी बार तो जो है और ह्यूज बॉडी आ चुकी है, तो उसकी वजह से जो है चार चांद लग चुके हैं डम्बोयर गप्पीस को। तो और इसमें जो है कुछ भी नहीं है, इसमें खाली ब्लैक गप्पीस के बच्चे हैं, और थोड़ा मोइना डाल के रखता हूँ मैं इसमें मट्टी में। और ये है आरिफ भाई, आप देख सकते हैं आरिफ भाई, ये हमारे भाई है, और माशाल्लाह मच्छियों को दाना डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं अपनी मदद भी कर रहे हैं और मच्छियों को दाना डाल रहे हैं, मच्छियों की दुआ ले रहे हैं, भूखे मच्छियों को दाना डालकर। आप देख सकते हैं ये सारे जुवेनाइल साइज है दोस्तों, ये सारे मेल्स हैं, और इसमें जो है थोड़े टॉपर्स के मेल और फीमेल्स भी है, और फीमेल्स को तो मैं ऑलरेडी, अब फीमेल्स बहुत छोटे साइज के इसलिए इसमें मिलाकर रखा हूँ, तो अब कल या परसों निकाल दूंगा मैं इन फीमेल्स को। और अपने पास जो एक टॉपर्स की मेल बहुत बड़ी है, आप देख सकते हो वहां पर, और अभी तो जुवेनाइल साइज है, वो ऑलरेडी ब्रीडिंग के लिए रेडी है, आप ले सकते हैं मेरे पास से। और प्राइस तो मैं इसको इसमें नहीं बोलूंगा दोस्तों, मैं आपको अपने इसमें डिप से, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो तो बोलता मैं आपको व्हाट्सएप पे। तो ये है आरिफ भाई, जरा आप दिखाओ तो जरा अपना फेस भाई। अस्सलाम वालेकुम सब जनों को, और देख सकते हैं आरिफ भाई जो है कि कौन सा फीड डाल रहे हैं आरिफ भाई आप। प्रिंसिन बोलते हैं दोस्तों इसको, आरिफ को तो कुछ भी नहीं मालूम, आरिफ को तो नहीं मालूम फीड के बारे में, खाली उन्होंने मेरी मदद करने के लिए है, आप देख सकते हैं ये है प्रिंसिन फीड, और मैं इन फिशेस को फीड कर रहा हूँ। आपको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ इनको ट्यूब फिक्स और मोइना और ड्राई फीड यूज कर रहा हूँ। ड्राई फीड भी मैं कलरेशन के लिए यूज कर रहा हूँ, ग्रोथ के लिए तो अपने को मोइना बस हो जाता, कलरेशन के लिए तो ये चाहिए अपने को ड्राई फीड है तो ही नहीं है तो चलता है, लेकिन मैं थोड़ा ड्राई फीड इनको आदत दिला रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर के पास जाने के बाद ये ड्राई फीड नहीं खाते उसकी वजह से। तो इसमें तो अपना मोइना है, आप देख सकते हैं ये परसों लगाया था मैं बकेट मोइना के लिए, इसमें ऑलरेडी पूरा खत्म हो चुका है। ये मोइना मैंने खरीदा है क्योंकि ये इन बच्चों को खिलाने के लिए, अभी तो छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, इसमें ब्लैक फुल ब्लैक और जो है अपने डम्बोयर्स के बच्चे हैं। और इसमें देख सकते हैं दोस्तों अपने इसमें A1 क्वालिटी के डम्बोयर्स है, अभी आप देख सकते हैं, इसमें बताता हूँ आपको इनका बॉडी साइज भी, आप देखकर परेशान हो जाएंगे दोस्तों अगर आप लाइव में देखे तो। देख सकते हैं इधर कहाँ गया बच्चा, ये देखो दोस्तों ये है अपनी, ये है अपनी डम्बोयर क्वालिटी, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी साइज है, आप देख सकते हैं इसकी बॉडी साइज। तो चलिए मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूँ, तो देख रहे दोस्तों यहाँ है अपना डम्बोयर होम ब्रीड अपने, ये सारे आइक्रम में ग्रूमिंग करा हूँ मैं, इसलिए इनकी बॉडी का साइज जो है बहुत बड़ा है। और अपने पास सिर्फ अभी तो सिर्फ लिमिटेड पेयर बचे हुए हैं, तो आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जल्द से जल्द आप इन पेयर्स को ले सकते हैं अपना, अगर मेरे को मैसेज करे तो आप।
और इनके बाद जो है अभी ये रेडी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप कुछ भी टेंशन न खोलो, अपने पास डम्बर्स तो बहुत ज्यादा अच्छे रहते अपने पास, खाली अब रेड ड्रैगन का एक नया स्ट्रेन आ रहा है मेरे पास और वो भी डम्बोयर के तरह करने चाह रहा हूँ मैं हैदराबाद में। हैदराबाद में अपना ही एक डम्बोयर का नाम है दोस्तों, डम्बोयर में A1 क्वालिटी अपने पास ही मिलती, और कहीं पर मिलती तो आप मेरे को बताओ ऐसी क्वालिटी, ठीक है। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई इंशाल्लाह आगे वीडियो डालते जाऊंगा मैं, अब थोड़े लेट हो रहा है वीडियो डालने के लिए। चलिए।